कोरोना के संकट के बीच अब पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुट गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की हरकतें इसकी गवाही दे रही हैं। मौका था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का, जहां इस बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया, जबकि इससे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर नाम का जिक्र करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था। और साथ ही इसके पहले हुई बैठकों में और इस बार हुई सार्क देशों की वर्चुअल बैठकों में एक बड़ा अंतर और भी दिखा। इस बार की बैठक में पाकिस्तान की ओर से बैकग्राउंड में कोई नक्शा नहीं लगाया गया, जबकि हाल ही में एससीओ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारत ने पाकिस्तान की ओर से विवादित नक्शा लगाने को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए मीटिंग ही छोड़ दी थी। हालांकि पाकिस्तान के इस बदले सुर को लेकर अब कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द सार्क के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना चाहता है और इन परिवर्तनों के पीछे पाकिस्तान की मंशा यही है। सार्क देशों की इस वर्चुअल बैठक में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रस्तावों को लागू करने की बात कही। विवादित क्षेत्रों की स्थिति में एक तरफा बदलाव की भी निंदा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी कश्मीर शब्द का उल्लेख नहीं किया। इस बैठक में जहां पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी शामिल हुए, तो वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। और भले ही पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर कोई बात नहीं छेड़ी हो, लेकिन भारत की तरफ से क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को मुद्दे के रूप में शामिल किया गया, जिसका सीधा निशाना पाकिस्तान पर था। गौरतलब है कि सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। सार्क की स्थापना के समय इस संगठन में क्षेत्र के 7 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल हुए थे, लेकिन साल 2007 में अफगानिस्तान को भी इस संगठन में शामिल कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।